हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रोटरी वेन पंप के बारे में कि ये क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, कैसे बना होता है, कौन कौन से पार्ट है, कंपोनेंट का नाम होते हैं, और फाइनली जानेंगे हम इसका वर्किंग के बारे में, आखिर काम कैसे करता है, आखिर किस तरह से लिक्विड को ट्रांसफर करता है। अगर टॉपिक समझ आने पर वीडियो को जरूर कर दीजिए लाइक और चैनल को जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि रोटरी वेन पंप क्या होता है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं वेन पंप क्या होता है, अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, वहां जरूर जाकर वीडियो को देखें वेन पंप क्या होता है, ये वीडियो देखिएगा तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं कि रोटरी वेन पंप क्या होता है। रोटरी वेन पंप कहने का मतलब है एक रोटर का यूज करते हैं और उसके ऊपर एक वेन का यूज किया जाता है, एडजस्टेबल वेन का, उसके सहयोग से ये पंपिंग करता है, इसी कारण इसे हम लोग एक तरह का रोटरी वेन पंप कहते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं कि रोटरी वेन पंप क्या होता है। मैंने यहाँ पर डिफिनेशन साथ यहाँ पर लिख के बताइए क्या रोटरी वेन पंप के बारे में यहाँ पर लिखी हुई क्या है कि ए रोटरी वेन पंप इज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप डैश कंसिस्ट ऑफ वन एडजस्टेबल वेन माउंटेड टू ए रोटर डैट रोटेट इनसाइड ए कैविटी। मिस कहने का मतलब क्या? मतलब है कि जो रोटरी वेन पंप होती है एक तरह का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होती है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब है एक फिक्स अमाउंट ऑफ लिक्विड को यहाँ पे इनलेट के सहयोग से सक करता है और आउटलेट के सहयोग से डिस्चार्ज करता है, इसी कारण इसे एक तरह का हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं। और ये जो पंप होती है एक इसके अंदर एक गुफा बनी होती है, गुफा के ऊपर एक यहाँ पे रोटर लगी होती है और रोटर के जस्ट ऊपर में एक तरह का यहाँ पे हम वेन का यूज करते हैं जो इसके ऊपर रमे रहती है, इससे एक तरह का घोड़सवार जैसे रहती है, जैसे घोड़ा के ऊपर आदमी चढ़ जाता है उसी तरह रोटर के ऊपर ये वेन चढ़ी हुई रहती है। उसके बाद ये वर्किंग करता है, ये हमारा गुफा के अंदर मिस रोटेशन करता है, तो इसी कारण इसे एक तरह का रोटरी वेन पंप कहते हैं। ठीक है, पॉइंट में लिखी हुई है इन सम केसेस दीज वेन कैन हैव वेरिएबल लेंथ टू मेंटेन कॉन्टेक्ट विथ द वॉल एज द पंप रोटेट फॉर फ्लूड या गैस ट्रांसफर। मिस कहने का मतलब क्या है, कुछ मामलों में इन वेन पंपों की लंबाई भिन्न हो जाती है और पंप के घूमने पर दीवारों से संपर्क बनाए हुए रखती है और चाहे कोई गैस हो या कोई लिक्विड हो उसे ट्रांसफर करने में फिर ये मदद करती है। ठीक है, मिस कहने का मतलब है कि आपको अरे ये वेन पंप इसकी जो लंबाई है मिस लेंथ है ऑटोमेटिक यहाँ पर इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। मीन जब एरिया ज़्यादा मिलती है अंदर में जो वाल है जो इनर चैम्बर है ये नजर आ रही है आपको कैमरे, तो इसमें क्या है जैसे ही आपको यहाँ पे एरिया ज्यादा मिलेगी तो वेन पंप किसकी लंबाई बढ़ जाएगी, क्योंकि अंदर में क्या होती है स्प्रिंग लगी होती है इसे पुश करेगी जहाँ पे एरिया मिलेगी, एरिया मिलने पर यहाँ बढ़ जाएगी और यहाँ पे देख सकते हैं एरिया कम है तो यहाँ पे छोटी हो जाएगी पंप। ठीक है, मीन इसकी वेन, ठीक है, लिक्विड हो या फिर गैस हो उसे अच्छी तरह से सक करके डिस्चार्ज करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो ये मेंटेन कर करती है वाल में, मिस अपने आप को चिपका कर रखती है ये वेंट। ठीक है, मिस पूरी तरह से सील रहती है। ठीक है, कोई भी लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है ये अपने वेन के सहयोग से। ठीक है, अगर इसका यूजेस की बात करेंगे तो इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो हाई प्रेशर के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इन ऑटोमोबाइल में इसका यूज किया जाता है, मीन बड़ी सारी जो इंडस्ट्रियल होती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो व्हीकल होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे इंक्लूडिंग सुपर चार्जिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, पावर स्टेरिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, एयर कंडीशनिंग के लिए इसका यूज किया जाता है और यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ ट्रांसमिशन के लिए भी इस रोटरी वेन पंप का यूज किया जाता है। मीन उन जगह पर इसका यूज किया जाता है क्योंकि हाई प्रेशर कोई भी लिक्विड को, कोई भी फ्लूड को, कोई भी गैस को ट्रांसफर करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कैसे बना होता है, कौन कौन इसके पार्ट है, कंपोनेंट का नाम होता है। सबसे पहले क्या होती है, ये जो है आ रही आपके हरे रंग की सर्कुलर डिस्क जैसी, इसको क्या बोलेंगे, एक तरह का रोटर बोलेंगे। ठीक है, ये रोटर होती है, यहाँ पे स्टील की बनी हुई होती है ये रोटर और इसके बाद ही वर्किंग करती है और इसके ऊपर क्या होती है एक तरह का वेन का यूज किया जाता है। वेन मीन कहने का मतलब एक तरह ब्लेड बोल सकते हैं, मीन पंखी बोल सकते हैं जो कार्बन ग्रेफाइट की बनी हुई रहती है और इसके बीच में हम यूज करते हैं एडजस्टेबल, इसे एडजस्ट करने के लिए दो वेन होती है, दोनों अलग अलग साइड में होती है और बीच में हम एक तरह का स्प्रिंग का यूज करते हैं। ये क्या होती है, इसकी स्प्रिंग हो जाती है। ठीक है, ये स्प्रिंग है जो हमारा पूरी तरह से वाल में यहाँ पे पूरी तरह से कनेक्ट रहने के लिए स्प्रिंग यहाँ पे पूरी तरह से दोनों तरफ वेन को यहाँ पे फोर्स लगाए हुए रहती है। ठीक है, अब क्या होती है, इसके अंदर एक तरह का चैम्बर का यूज करते हैं जिससे एक तरह का हम लोग इनर चैम्बर बोल सकते हैं, इस चीज को इनर चैम्बर बोलेंगे। और यहाँ पे जो इनर जो चैम्बर होती है वो कैसे नजर आती है आपके सामने, इनसेंट्रिक शेप वॉल्यूम से बोल सकते हैं एक तरह का। ठीक है, इनर चैम्बर को जो चांद के आकार
आकार जैसे दिखती, देख सकते कुछ तरह से चांद के आकार से बन रही है इसकी शेप, इसी कारण इसे इंसेंट्रिक शेप वॉल्यूम बोलते हैं। अब क्या होती है ये चीज़ नजर आ रही है, इसको स्टेटर बोलते हैं, एक तरह कैमरिंग भी बोल सकते हैं, इसका स्टेटस भी बोल सकते हैं। रोटर वेन यहाँ पर लग जाती है, उसके बाद हम इसे बढ़िया तरीके से हाउसिंग कर देते हैं। हाउसिंग करने के लिए एक तरह का हम लोग पंप केसिंग का यूज करते हैं, मीन्स पूरी तरह कास्ट आयरन का मेटलिक यहाँ पर बनी हुई रहती है, उसके सहयोग से हाउसिंग कर दी जाती है, ठीक है। हाउसिंग अब क्या होती है, केसिंग के अंदर दो पोर्ट लगाते हैं, सबसे पहला जो पोर्ट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं इनलेट पोर्ट, यहाँ सहयोग से लिक्विड को अंदर की सक की जाती है, ठीक है। और दूसरी पोर्ट होती है एग्जॉस्ट आउटलेट पोर्ट इसे बोल सकते हैं, जहाँ के सहयोग से लिक्विड को इसके सहयोग से बाहर की ओर निकाली जाती है, ठीक है। इसके अंदर जो पंप केसिंग है इसके अंदर एक चैम्बर होती है जिसे एक तरह ऑयल रिजर्वायर इसे बोल सकते हैं, और इसके अंदर हम लोग ऑयल पंप का यूज किया जाता है, जो मिलर ऑयल का इसके अंदर यूज किया जाता है, इम्प्योरिटीज से बचाने के लिए इस ऑयल का यूज किया जाता है, मिलर ऑयल का, ठीक है। क्या होती है जो आउटलेट हमारा जो पोर्ट है, जो एग्जॉस्ट पोर्ट है, यहाँ पे एक तरह का एग्जॉस्ट वाल्व का यूज किया जाता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये क्लोज अपन होती है। अब क्या होती है पूरी तरह से जब पूरी यहाँ पे पंपिंग जब तैयार हो जाती है, केसिंग कर दी जाती है, मैकेनिज्म इसकी जितनी कंप्यूटर लगा दी जाती है, तो फाइनली इसके नीचे एक यहाँ पे लेग का यूज किया जाता है, जिसे एक तरह का स्टैंड बोल सकते हैं, रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इस लेग का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में किस तरह से रोटरी वेन पंप वर्क करता है, किस तरह से हाई प्रेशर साथ लिक्विड को डिस्चार्ज करता है सक करने के बाद कोई भी लिक्विड को। देखिए सबसे पहले क्या होती है, ये जो नजर आ रही है आपके रोटर, रोटर के जस्ट यहाँ पे बीच में एक तरह का शाफ्ट लगी होती है, ये शाफ्ट को जैसे हम मोटर साथ कनेक्ट करते हैं और उसे मोटर साथ कनेक्ट करने इसे एक्सटर्नल पावर देते हैं, तो ये रोटर यहाँ पे रोटेशन करने लगती है, और रोटेशन जब करती है तो इसके साथ जो एडजस्टेबल जो वेन है ये भी यहाँ पे रोटेशन करती है, ठीक है। और स्प्रिंग यहाँ पे फोर्स लगाई हुई रहेगी हमारा दोनों तरफ वेन को, कि जो स्टेटर जो है इसके ऊपर जो वाल है इसके ऊपर पूरी तरह से अटैच रहे हैं वेन, ठीक है। तो पूरी चीज देख सकते हैं कैसे रोटेशन करेगी, इस तरह से रोटेशन करेगी यहाँ पे, जैसे यहाँ रोटेशन करने लगेगी एक तरह का क्लॉकवाइज रोटेशन में, क्लॉकवाइज जैसे ही रोटेशन करेगी तो ये जो नजर आ रही है आपके सामने यहाँ पे एक तरह का सक्शन क्रिएट करेगी, सक्शन क्रिएट करने से बाहर में जो भी लिक्विड है एयर प्रेशर अंदर की वो सक करने लगेगी, सक करने लगेगी, सक करने में क्या होगी कि यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से सकिंग करने के बाद यहाँ पे हमारा जो ये इनर चैम्बर है जिसे एक तरह का इंसेंट्रिक वॉल्यूम से बोलते हैं, यहाँ पे हमारा जो भी लिक्विड आ जाती है, लिक्विड आने के बाद यहाँ पे क्या काम करेगी, इसे धीरे धीरे जो वेन है उसे फोर्स लगाएगी, फोर्स लगाने के बाद उसे बाहर की ओर हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ये ओपन हो जाएगी और आउटलेट पोर्ट के सहयोग से हाई प्रेशर साथ यहाँ पे जो भी लिक्विड है बाहर की ओर निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये कंटिन्यू वर्किंग करता है, मीन्स हमारा रोटर रोटेशन करती रहती है और वेन यहाँ पे जो भी लिक्विड है उसे सक करने के बाद उसे लिक्विड को यहाँ फोर्स लगाने के बाद पोर्ट के सहयोग से बाहर की ओर निकाल देती है, और उससे हमारा एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पे ओपन हो जाती है, ठीक है। एडजस्टेबल वेन यहाँ पे वाल में चिपके हुए रहते हैं, अंदर में वैक्यूम क्रिएट करने के बाद सक करते हैं, और सक करने वाले लिक्विड को यहाँ पे वेन के फोर्स के सहयोग से बाहर की ओर निकाल दिया जाता है आउटलेट पोर्ट के सहयोग से, ठीक है। आशा है कि आपको रोटरी वेन पंप के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने का थैंक यू, चैनल में नए आए हुए हैं चैनल को कल ही सब्सक्राइब, हो सके वीडियो कर दीजिए लाइक, धन्यवाद।